सभी ने यहाँ पर थंबनेल में देखा होगा कि मैंने आप सभी को यहाँ पर सरकारी जॉब से रिलेटेड वेबसाइट के बारे में यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि कितने सारे वेबसाइट हैं जिस पे हम सरकारी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन पा सकते हैं, या कोई भी ऑनलाइन फॉर्म होता है या कोई भी सरकारी जॉब आता है तो उसको हम कौन सी वेबसाइट पर अच्छी तरह से चेक पाएंगे कि हमारा जो हम नोटिफिकेशन जॉब के लिए खोजना चाह रहे हैं तो उसका सारा डिटेल, ये जैसे कि क्वालिफिकेशन और पेमेंट कितना लगने वाला है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कब से कब तक इसका अप्लाई है और कब से स्टार्ट हुआ है, और सभी जानकारी इस वेबसाइट के, इन सभी वेबसाइट के माध्यम से दिया जाता है। तो मैं इसमें आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यहाँ पर 10-10 वेबसाइट में बताने वाला हूँ कि जो भी वेबसाइट बताऊँगा उस वेबसाइट पर कोई फर्जी नोटिफिकेशन नहीं आता है। लगभग मेरे अनुसार मैं यहाँ पर यही सब वेबसाइट यूज़ करता हूँ, तो मैं कोशिश किया कि मतलब आप सभी को क्यों ना आप लोग को बता दिया जाए कि आप खुद से अपना नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा वैकेंसी अभी आया है और कौन कौन सा आने वाला है, सभी यहाँ पर डिटेल दिया रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आप सभी को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड होंगे और स्टूडेंट होंगे और या कैफ़े वाले होंगे तो कैफ़े वाले स्पेशल यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर इतने सारे वेबसाइट हैं आप चेक कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट होंगे स्टूडेंट भी अपना यहाँ पर चेक कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट यहाँ पर स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा जो आप यहाँ पर इस वाले वेबसाइट से चेक कर सकते हैं सभी नोटिफिकेशन। तो मैं कोशिश किया हूँ कि आप सभी को जितने भी नोटिफिकेशन मिलता है सरकारी जॉब से रिलेटेड तो यहाँ पर आप सभी प्राप्त कर सकते हैं सभी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मैं यहाँ पर वेबसाइट मैं शुरू कर रहा हूँ वन बाई वन। तो पहला वेबसाइट का नाम मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर पहला वेबसाइट मैं ओपन कर रखा हूँ onlineprocess.com। तो यहाँ पर onlineprocess.com पर यहाँ पर भी सभी जानकारी यहाँ पर दिया जाता है, जैसे जॉब से रिलेटेड या तो कोई स्कॉलरशिप हो गया या तो और कोई, या तो कोई भी अगर आप कैफे वाला वर्क कर, तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है मैट्रिक स्कॉलरशिप, इंटरमीडिएट स्कॉलरशिप, UTI पैन कार्ड का फोटो रिसाइज, ई श्रम कार्ड के लिए, पैन कार्ड के लिए, यहाँ पर COVID-19 सर्टिफिकेट, बिहार राशन कार्ड, जाति आवासीय आय के लिए यहाँ पर बहुत सारे नोटिफिकेशन दिया गया। जैसे अगर आप अगर साइबर कैफ़े यूज़ करते हैं तो साइबर कैफ़े वाला के यहाँ पर यूजुअल वेबसाइट है, स्पेशल दिया गया है जो साइबर कैफ़े इसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको सारा डिटेल दिया गया है कि किस तरह से आपको कौन सा नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इस तरह से आपको नोटिफिकेशन दिया गया है। अगर और भी अगर कोई नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो यहाँ पर सभी डिटेल दिया गया है लेटेस्ट जॉब से यहाँ पर रिलेटेड। तो यहाँ पर होम पेज पर जाकर यहाँ से पूरी तरह से यहाँ पर नीचे आकर थोड़ा सा यहाँ से नीचे आएंगे और यहाँ पर सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर दिया गया है, जो भी यहाँ पर वैकेंसी आया है, यहाँ पर जो मैंने इसका डिटेल बता रखा है कि यहाँ पर जो BSc नर्सिंग और ANM का जो आया है तो उसका आज ही मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, वहाँ पर भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये था आपको पहला वेबसाइट onlineprocess.com। अब चलते हैं मैं दूसरा वेबसाइट की ओर। तो यहाँ पर दूसरा वेबसाइट मैं ओपन कर रखा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर दूसरा वेबसाइट easy2net.com, यहाँ पर इसका नाम है easy2net.com। तो इस वाले वेबसाइट पर भी आपको सारा नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी जॉब से रिलेटेड होगा, आपको यहाँ पर भी अब सभी डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आप यहाँ पर भी जॉब से रिलेटेड या कोई भी कैफ़े वाले होंगे तो उसके लिए रिलेटेड आपको यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है, आप यहाँ से भी अपना यूज कर सकते हैं वेबसाइट को। अब चलते हैं तीसरे वेबसाइट की ओर। तीसरा वेबसाइट यहाँ पर है, तीसरा वेबसाइट जो दिया गया है जिसका नाम है jobwalebhaiya.com। तो यहाँ से भी आपको सारा नोटिफिकेशन मिलेगा, होम पेज पर आएंगे यहाँ से, और होम पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर सारा डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा जो भी है आपको नोटिफिकेशन, सरकारी जॉब या एडमिट कार्ड या ट्रेनिंग, लेटेस्ट जॉब यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे, आप पूरी तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब चलते हैं चौथे वेबसाइट की ओर। यहाँ पर मैंने पहला बता दिया, यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा वेबसाइट SKT एग्ज़ाम, यहाँ से भी आप पूरी डिटेल यहाँ पर पा सकते हैं। यहाँ पर होम पेज पर चले आएंगे और होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको सारा नोटिफिकेशन लेटेस्ट जॉब या किसी भी से संबंधित मिल जाएगा। अब चलते पाँचवें वेबसाइट, यहाँ पर पाँचवें वेबसाइट है यहाँ पर biharportal.com। तो यहाँ पर biharportal.com पर आएंगे, यहाँ पर लिखा गया है, इन सभी का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा जहाँ से आप भी देख सकते हैं। वैसे आप पहले यहाँ से जान लेंगे कहाँ से कौन सा नोटिफिकेशन मिलता है, इसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर ये वेबसाइट है, यहाँ पर बिहार राशन कार्ड, बिहार बोर्ड 10th मॉडल सेट, मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन राशि, बिहार इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ पर सभी डिटेल यहाँ पर बिहार से केवल यहाँ पर रिलेटेड मिलेगा, और अदर भी नोटिफिकेशन मिल सकता है लेकिन ज़्यादातर इस पर
इसके बाद आएंगे यहाँ पर आप सरकारी नौकरी डॉट, यहाँ पर सरकारी नौकरी डॉट टूडे, तो यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन यहाँ पर भी आपको मिलेगा सरकारी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। इसके बाद यहाँ पर आएंगे फास्ट जॉब सर्च, यहाँ पर फास्ट जॉब सर्च है, यहाँ पर भी मिलेगा आपको सभी नोटिफिकेशन इस वाले वेबसाइट पर आपको दिया जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और कुछ ऐसा वेबसाइट मैं बताऊँगा कि आपको केवल उस पर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले उसी पर अपडेट मिलता है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया, यहाँ पर सरकारी एग्ज़ाम भी यहाँ पर हैं, यहाँ पर सरकारी एग्ज़ाम पर भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं होम पेज पर आकर यहाँ से। और यहाँ से भी आपको सारा जॉब से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पर लेटेस्ट जॉब है, न्यू अपडेट यहाँ पर सभी दिया गया है, एडमिट कार्ड से एग्ज़ाम रिलेटेड रिजल्ट जो भी है यहाँ से आप देख सकते हैं। अब मैं बात करने वाला यहाँ पर सरकारी रिजल्ट, ये है वेबसाइट। और एक दूसरा वेबसाइट मैं बताऊँगा जिस पर उसको भी किसी पर आपको मिले अथवा नहीं मिले, लेकिन इन दोनों वेबसाइट पर ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, इस वाले वेबसाइट को ओपन करेंगे, होम पेज पर चले आएंगे और होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे पूरी तरह से सर्टिफाई हो जाएंगे यहाँ से। यहाँ पर जैसे दिया गया है रिजल्ट के लिए, एडमिट कार्ड के लिए, लेटेस्ट जॉब के लिए यहाँ पर दिया गया है। अभी क्या क्या वैकेंसी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और किसका किसका एडमिट कार्ड यहाँ, किसका किसका रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे आएंगे यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा, आंसर की, एडमिशन, इंपॉर्टेंट लिंक, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए। और थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है। अब मैं बात करने वाला रिजल्ट भारत डॉट कॉम, सबसे फेवरेट वेबसाइट यहाँ पर मेरे लिए है। यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा यही वेबसाइट ओपन करता हूँ, रिजल्ट भारत डॉट कॉम, या तो मैं सरकारी रिजल्ट ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर आपको रिजल्ट भारत डॉट कॉम पर यहाँ पर मिलेगा किसी जॉब से रिलेटेड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप पूरी तरह से डिक्लियर रहता है रिजल्ट के लिए, यहाँ पर एडमिट कार्ड के लिए, यहाँ लेटेस्ट जॉब के लिए, यहाँ पर न्यू लेटेस्ट जॉब जो भी आया है यहाँ पर दिया गया है, जो डेट बढ़ाया गया यहाँ पर लिखा गया है, जो स्टार्ट है यहाँ पर लिखा गया स्टार्ट है अभी तक जो भी हुआ है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपको आंसर की यहाँ पर मिल जाएगा सभी चीज़ का, और यहाँ पर सिलेबस, इसके बाद एडमिशन, किसका किसका स्टार्ट है और कब से होना वाला है, यहाँ पर सभी मिलेगा। और इसको नीचे आएंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा, जैसे जाति निवास आय बनाना जो भी, ई पास, इंपॉर्टेंट लिंक, कोविड 19 सर्टिफिकेट, जो वैकेंसी आने वाले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर सारा डिटेल यहाँ पर ये वेबसाइट के माध्यम से पा सकते हैं। और इन सभी का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जहाँ से इस वाले वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यहाँ पर अगर नोटिफिकेशन जानना चाहते ऑल डिटेल तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको पेज इस तरह से ओपन होगा और यहाँ पर सभी डिटेल दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट, अप्लीकेशन फ़ी कितना लग रहा है, कैटेगरी क्या क्या है, कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एज लिमिट कितना होना चाहिए, यहाँ पर वैकेंसी डिटेल दिया है कितना वैकेंसी है और कहाँ से अप्लाई होगा, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है। तो यही थी छोटी सी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।